What does that dream look like? A morning window view of a mountain covered in snow. Balancing stones in front of a river, right in front of a huge mountain. Does it all look like a dream? Then I'll take you to this location with my friends on this Sikkim trip. So stay tuned on this vlog, I'll show you how I reached to this. इंस्टाग्राम में रोज पहाड़ों वाली सुबह देखकर हमने डिसाइड किया कि अब न नदी देखना है न सनसेट्स, अब हमें चाहिए बर्फ। तो बर्फ की तलाश में हम चार दोस्त निकले धनबाद से आसनसोल, और आसनसोल में कुछ देर स्टे करने के बाद वी लेफ्ट फॉर सिलीगुड़ी। सिलीगुड़ी में हमने एक बस लिया टू गैंगटॉक। The bus took us from the curvy roads in the mountain, showing the beautiful valley and the Tista River. It took almost 6 to 7 hours to reach from Siliguri to Gangtok. Hey everyone, good morning. This is Kishore, Singh and this is our second day in Sikkim tour. तो पहला दिन तो पूरा हमारा ट्रैवल में ही निकल गया। रात को हम निकले धनबाद से आसनसोल, देन आसनसोल टू फिर निलजोर बाईगुड़ी। वहाँ से हमने एक शेयर्ड कैब लिया और पहुँच गए टू दिस ब्यूटिफुल सिटी गैंगटॉक। तो रात भर पूरी बारिश हुई है यहाँ पे, देन वी वोक अप टू दिस। So I've come to a rooftop to see a clear vision of this place. So, oh, hi! Look at this view. टाइम के साथ ये जगह और हेजी होते जा रही है। अभी 10 मिनट पहले मेरे सामने एक माउंटेन था, थोड़ा बहुत विजिबल था, बट अभी अगर आप देखोगे तो इट्स कम्प्लीटली वाइट कवर्ड इन क्लाउड्स। और ड्रोन उड़ाना थोड़ा सा यहाँ मुश्किल हो रहा है क्योंकि ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है। ड्रोन उड़ा के ऊपर से फिर पानी के वाटर ड्रॉपलेट्स उसमें जम जा रहे हैं। तो लेट्स सी, अभी आई एम प्लानिंग टू गो टू द MG मार्ग रोड। There is lot more. ठीक है, अब जा रहे हैं हम MG मार्ग। अभी हमारे दो पंटर लोग सो ही रहे हैं। तो भाई किशोर, अचानक से झारखंड की इतनी गर्मी से अचानक से सिक्किम की इतनी ठंडी में तो कैसा लग रहा है? नहीं नहीं, हम तो यही फील करते थे डेली इंस्टाग्राम पर। और आपका क्या कहना है? वैसे ये कहीं लिखा नहीं गया है, बट मेरा मानना है कि अगर आपको किसी जगह की एग्जैक्ट वाइब चाहिए तो गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक। तो जब तक श्याम और सुहेल सो रहे थे, मैं और आदित्य निकल गए
गैंगटॉक के गलियों करना है, चढ़ लेंगे। ओए ये हम लोग आए थे यहाँ घूमने, ये हाइकिंग हो गया भाई। क्या चंचू हट लिया भाई, हट लिया। We are now at this place, MG Mark Road. अभी सुबह का टाइम है तो वैसा कुछ माहौल नहीं है अभी यहाँ पे। आई गेस रात में बढ़िया माहौल होता होगा, क्या चंचू? रात का माहौल इसी तरह नहीं है, बिल्कुल अलग है और बहुत सुंदर है। स्ट्रगलिंग है बट वर्थ इट। बस एक बात बता दूँ, एम जी मार्ग हम घूमने नहीं आए हैं, भूख लगी थी तो सुबह उठ के आ गए हम लोग। चिंचू कैसा लगा खाना नहीं मिलके? भाई स्ट्रीट्स में घूमते घूमते थक गए हम लोग। से फिर भी रिटर्न बैक टू आवर स्टे और फिर हम निकलने वाले थे गैंगटॉक के लोकल साइट सीइंग के लिए। अभी हम निकल रहे हैं गैंगटॉक से लोकल साइट सीइंग के लिए, तो आपको मिलते हैं रास्ते पे ही विद सम अमेजिंग व्यूज। स्टोरी गाइस इज देखो रोप पे है सुहेल और इसको जाने दो, हम लोग इधर से ही व्यू ले लेते हैं। यही से व्यू ले लेते, तुम लोग जाओ। अगर जाना है तो बोलो। शौक बड़ी चीज है। हाँ हाँ बस शौक ही बड़ी चीज है। रोप पे से बढ़िया सीन तो भाई इधर ही दिख रहा है। रोपवे में चढ़ना वर्थ इट नहीं लग रहा है, सेम व्यू देखना यहाँ से, यहाँ से भी सेम ही व्यू आ रहा है। सोहेल और आदित्य बहुत ज़्यादा जीत कर रहे थे रोपवे में चढ़ने के लिए, तो हमने किसी सोचे कि हम भी क्यों ना चढ़ जाए, तो हमने भी टिकट कटा लिया है और जा रहे हैं अपर फ्लोर में और दिखाते हैं आपको रोपवे से। भारी अंधेरा है यहाँ। আমাকে ভালো লাগছে এখন, আর আমি এখন এখানে হোয়াট ইট ইজ কল্ড, ঠিক আছে না ইংলিশ আ রা না বেঙ্গলি আ রা, ঠিক আছে বস আমি তক বেঙ্গলি আতা হ্যায় बाकथांग वाटरफॉल। तो वाटरफॉल के पास जाने से पहले अभी हम जा रहे हैं सामने छोटा सा कैफे, थोड़ा ब्रेकफास्ट करेंगे, देन आई विल शो यू दिस वाटरफॉल।
वी आर हियर एट लाचा फॉल। बिल्कुल सिमिलर है, हम लोग कहाँ से आए थे, लास्ट वाटरफॉल जो था। ठीक है ना कि ये बिल्कुल कर्व पे है 100, ठीक है, रोड के पीछे। और दूसरा यहाँ पे जो प्रेयर फ्लैग्स हैं ये बहुत सारे हैं, पूरा कवर्ड ये एरिया प्रेयर फ्लैग्स है। गाय का दूध कैसे रहता है? सो वी स्टेड अ बिट देयर फॉर टी ब्रेक और कुछ इंस्टाग्रामेबल कंटेंट के लिए। पहाड़ में मैगी का शौक रहे ना रहे, चाय हर जगह चाहिए। क्या करे यार, परमिट और मिल नहीं रहा है, साला जिए कि नहीं जिए। हम तो जी ही रहे हैं, क्या पता साला कैसे जी रहा है। वी आर नाउ गोइंग टू फ्लावर गार्डन। क्या नाम है? प्लांट कंजर्वेटरी। बहुत सारे फूल दिखाएंगे आपको और पता नहीं है शूटिंग अलाउड है। ऐसा लगा कि साला बनावटी है। So the plant conservatory was kind of surprise for us क्योंकि Gangtok इस time पे usually बहुत ज़्यादा crowded रहता है। So guys, this place is known as the flower garden और ये इतना अच्छा जगह है कि यहाँ पे views end ही नहीं हो रहे हैं। हर point पे लग रहा है कि रुक के nature को देखूँ। बहुत ही अच्छा point है, worth it है। Every place you will see tourists, लोग घूम रहे हैं। It's kind of बहुत ज़्यादा शोर शराबा है। But in the plant conservatory, you'll find some spots जहाँ पे you can just listen to chirping birds, the sound of flowing streams. You can just sit, chill and relax there. दिन के बज रहे हैं दोपहर के 3 और अब हम लोग जा रहे हैं कंचनजंगा पॉइंट। तो अभी दोपहर के 3 बज गए हैं। अभी तक क्या था कि बहुत ज़्यादा क्लाउडी वेदर था। फिलहाल सनराइज नहीं हुआ है, बादल छट गए हैं और सूरज की किरणें हमारे ऊपर पड़ रही हैं। ओके ठीक है, तो किरणें पड़ रही हैं हमारे ऊपर, हमारे बदन को स्पर्श कर रहे हैं। ज़्यादा हो गया। फ्लावर गार्डन क्या ही होगा। तो ये अभी हम लोग थे फ्लावर गार्डन में, तो हमें लग रहा था कि क्या ही होगा, बस कुछ फूल पत्ते होंगे और कुछ स्पेसीज होंगी जो स्पेशल होगी फॉर डॉक्यूमेंटेशन। बट यहाँ अंदर घुसने के बाद से एक भी ऐसा मोमेंट नहीं था जब हमें लगा कि यार क्यों आ गए यहाँ पे। और जो फाइनल स्पॉट था, जो वाटरफॉल था, भाई साहब वो व्यू, कोई इंग्लिश ट्रांसलेटर हो मेरा उसके लिए ये है। फॉर बंगाली ट्रांसलेशन आई एम श्याम, और अरेंजमेंट और मैनेजमेंट के लिए आई हैव सुहेल। बाकी हम किसी काम के हैं नहीं, कुछ और ही है हमारे।
We didn't enter Ganesh Stock as cameras were not allowed there, and also the weather was too cloudy to have a view of Kanchenjunga. So we spent our time just outside the Ganesh Stock. ऊपर जानता है लोग कैमरा लेके गए थे So with that, हम पहुंच गए अपने लास्ट लोकल साइट सीइंग के लोकेशन तक हनुमान टॉप We didn't shoot a lot there, but I have some drone shots to show you. This was it guys, this was for the local sightseeing in Gangtok. Ugly video mein, we'll be going to Yumthang Valley and Zero Point. And if you want to see that vlog, please subscribe to the channel and wait for a week or two maybe. Till then, thank you so much for watching this video.